दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सेकंड स्टैंडर्ड का बाल भारती का इंग्लिश मीडियम का चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है यूनिट थ्री का, हुज पॉन्ड इज इट, किसका तालाब है ये, इसके बारे में हम जानेंगे। एनिमल्स और बर्ड्स में इनके बारे में वो हो रहा है, तो चलिए हम उसका पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर मीनिंग और अपोजिट वर्ड्स ग्रामर एक साथ इसमें पढ़ने वाले। दोस्तों आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चैप्टर समझा के दूंगा, पढ़ा के बताऊंगा और आपके क्वेश्चन आंसर लास्ट लास्ट में दूंगा। आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलो हम सिखाते हैं अभी। हुज पॉन्ड इज इट, पॉन्ड मतलब जो ताला हो वो किसका है, हुज किसका, कौन कौन किसका है, या एनिमल्स का है या बर्ड्स का है, इसके बारे में हम जानेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो इन अ रीजन्स ऑफ टॉल माउंटेन देर आर वॉज अ थिक फॉरेस्ट, मेनी मेनी बर्ड्स एनिमल्स लिव इन दैट फॉरेस्ट। एक जंगल में बहुत बहुत साल पहले एक इन द रीजन्स एक बड़ा सा प्रदेश में एक टॉल माउंटेन था, देर वॉज अ थिक फॉरेस्ट, वो बड़ा घनदाट जंगल था, मेनी मेनी बर्ड्स वहां बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स रहते थे वो जंगल में। इन द मिडल्स ऑफ फॉरेस्ट देर वॉज अ बिग पॉन्ड, इट वॉज ऑलवेज फुल ऑफ वॉटर, वहां पे जंगल के अंदर मतलब उनके जंगल के मधोमध मतलब अंदर बीच में हाँ एक बड़ा सा तालाब था, वो तालाब बहुत साल भर उसमें पानी रहता था, ऑलवेज हमेशा उसमें ठंडा पानी कूल पानी रहता था। ड्यूरिंग द डे दिन के समय इट रिफ्लेक्टेड द ब्लू स्काई, जब ब्लू स्काई इन द क्लाउड इट इज अ स्पार्कल इन द गोल्डन सन, जब उसमें क्लाउड और गोल्डन सन स्पार्कल होते थे वो एकदम रिफ्लेक्ट अच्छा लगता था दिन में, और रात में एट द नाइट इट इज अ लुक सिल्वर इन द मून लाइट यू कूड सी द स्टार इन इट, जब रात होती थी वो तालाब में तब एक सिल्वर जैसा दिखता था मूनलाइट, और एक रात में सब वहा उस रात में स्टार दिखाई देते थे, वो प्राणियों को बहुत भाता था और बहुत अच्छा लगता था। द वॉटर वॉज अ पॉन्ड वॉज अ कूल, ठंडा पानी रहता था वो पॉन्ड का वो तालाब का, एंड रिफ्रेश एकदम फ्रेश रहता था, ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स लव टू ड्रिंक एंड वॉटर ऑफ द पॉन्ड, सभी प्राणी उस तालाब का पानी को वो तालाब को बहुत प्यार करते थे, उसका पानी ठंडा पानी पीते थे। आगे एनिमल्स लाइक टू पॉन्ड सो मच दैट दे वांटेड इट ऑल ऑफ देमसेल्फ, दे डिड नॉट लाइक टू शेयर इफ विथ इट विथ द बर्ड्स, जब वो ऐसी बात देमसेल्फ खुद की बात शेयर करते थे, कौन सी बात, वी हैव डिस्कवर्ड द पॉन्ड इट बिलोंग टू अस दे सेड, जब वो कहते थे कौन एनिमल्स किनको बर्ड्स को शेयर करते थे कि ये हमारा हमने ढूंढा है, ये हमारा मालकी का है, हमारा खुद का है, वो जब कहते थे किनको बर्ड्स को, तो बर्ड्स इज से बर्ड्स क्या कहते, इट इज अ लाई, ये झूठ है, सेड द बर्ड्स, कौन कहते, बर्ड्स उन्हें कहते हैं, वी फाउंड हमने ढूंढा है, कौन बोलते बर्ड्स, फाउंड द पॉन्ड फर्स्ट हमने पहले ही ढूंढा है, वी नो अबाउट इट बिफोर यू डिस्कवर इट, जब आप पहले ढूंढते उससे पहले हमने ढूंढा था, पहले हमने ढूंढ लिया था, ऐसे कौन कहते बर्ड्स कहते, इफ यू नो अबाउट इट दे वाई डिडंट यू टेल अस, तुम हमें क्यों बता रहे हो, दैट्स अ क्लेवर फॉक्स वो उनको कहता है, बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर अवर पॉन विथ यू विथ यू, तुम शेयर मत किया करो क्योंकि विट बिलोंग टू अस ये हमारा है, हमारा मालकी का है, एंड नॉट टू यू नहीं तुम्हारा है, ये कौन कहता है ऐसा, हॉक कहता है, आंसर देता है उनको बारे में, और एंड दे ऑल ऑफ बर्ड्स एनिमल्स बिगिंस अ फाइट, उन दोनों में भी फिर से झगड़ा चालू हो जाता है। द बर्ड्स चेस टू बर्ड्स एंड प्रोसेस्ड ऑन देम, और वो एक दूसरे को चेस करने लगते है, लेपर्ड इज ग्रोइंग करने लगता है, टाइगर रोर करने लगता है, एलिफेंट्स ट्रबलिंग करने लगता है, ट्रबलेट करने लगता है, बियर्स एंड डॉग्स फॉक्सेस ऑल ऑफ
अदर एनिमल्स बिगन्स टू रन आफ्टर द बर्ड्स, उनके पीछे दौड़ने लगते, बर्ड्स के पीछे दौड़ने लगते और उनमें झगड़ा चालू हो जाता है इसके ऊपर कि ये पॉन्ड हमारा या तुम्हारा है, एक दूसरे पे ये मेरा मालिकी का है, इसका है, इसके में झगड़ा चालू होता है। बर्ड्स टू वेरी गुड फाइटर्स, बर्ड अच्छे ही गुड फाइटर होते हैं। दे बिगन्स टू क्रीच, वो चिल्लाते हैं, फिर बाद में फिर उसके पीछे दौड़ने के बाद में वो चिल्ला के उन्हें अपने क्रैक से एंड वॉक से दे अटैक करते हैं। एंड देयर इज अ विक्स, अपने चोच जी चोच होती है और टोलन्स उनके नाखून्स होते, शार्प नाखून्स होते, उन पे अटैक करते हैं। अब विद द एनिमल, एनिमल के ऊपर एंड डाउन, वो फिर से बर्ड डाउन होते बैठते थे और ड्राइव करके चले जाते थे दूर, और उसके बाद में शाउटेड चिल्लाते थे, एनिमल चिल्लाते थे। इसी प्रकार से दोनों में झगड़ा चालू थे। एंड ड्राइव अवे टू एनिमल्स एंड चेंज टू अटैक, लॉन्ग लाइम लॉन्ग लिव टू बर्ड्स एंड शाउटेड टू बर्ड्स, ऐसे बहुत देर तक उनकी झगड़ा चालू रही और उसके बाद में सॉल्यूशन तो कोई निकल नहीं रहा था। अ ग्रेट बैटल ग्रीटिंग बिटवीन द बर्ड्स एंड एनिमल्स बोथ द साइड्स वेयर अ स्ट्रॉन्ग सो दैट बैटल्स वेंट टू ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम बट नाइदर साइड्स कुड विन टू बैटल विन द बैटल। इसी प्रकार से बहुत देर तक ये बैटल चलती रही, बहुत दोनों की साइड बहुत स्ट्रांग थी और कोई बैटल्स वेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम चलती रही और उसमें कोई साइड पक्ष कोई विन नहीं हुआ, कोई दोनों में से दोनों साइड में कोई जीता ही नहीं। दिस इज अ नो वे टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम, झगड़ा करना ये वो ही कोई वे नहीं है, अच्छा वे नहीं है सॉल्व करने का प्रॉब्लम ये, तो उसका अलग प्रॉब्लम निकालते हैं। एक दूसरे में बर्ड्स कहने लगे, मतलब दे सेड सम्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स वी मस्ट फाइंड सम अदर वे टू डिसाइड हूज पॉन इट इज, ये किसका पॉन्ड है, दूसरे वे से हम दूसरे रास्ते से हम ढूंढते नहीं कि झगड़ा करके ढूंढते, उन्होंने वो डिसाइड किया। लेट्स अपॉइंट टू जज, वो दो जज को अपॉइंट करते, वन फ्रॉम एनिमल से वन फ्रॉम बर्ड की तरफ से, एक दे विल डिसाइड, वो डिसाइड करते और ठहरा मतलब वो मंजूर करते हैं, चलो एनिमल की तरफ से एक जज बिठा दो और एक बर्ड की तरफ एक जज बिठा दो, चलो अभी किसको वो जज बिठाते। सो बियर्स एंड वुड पेकर्स वेयर अपॉइंटेड जज, वो अपॉइंट करते चुनते हैं, किसको चुनते, बियर किसकी तरफ से, एनिमल्स की तरफ से, वुड पेकर बर्ड्स की तरफ से चुनते हैं जज। द बियर्स डिसाइड, बियर डिसाइड करता है द अपॉइंट टू बिलोंग टू द एनिमल्स, ये किसका मालकी का है, एनिमल का मालकी का है, बियर बोलता है। वुड पेकर्स डिसाइड टू दैट द पॉन्ड बिलोंग टू द बर्ड्स, वो उससे बिलोंग करता है। दिस इज नॉट अ सॉल्व द प्रॉब्लम एट ऑल, इसकी वजह से वो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। वुड बियर बोलता है ये एनिमल का है, वुड पेकर बोलता है पक्षियों का है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वी नीड ओनली वन जज हु विल बी गिव टू गुड, वो एक ही जज अपॉइंट करते, वो कौन अच्छा देगा जजमेंट, हाँ ऐसा डियर कहता है, शेर द डियर अपनी छोटी सी स्पैरो आती है देखिए। सो द स्पैरो वॉज आस्क, पूछती है टू बी द जज, जजों को पूछती है। सी वॉज अ लिटल बर्ड बट सी वॉज वेरी वॉइस, में कहती हो ही सी थॉट, उसके विचार छोटी स्पैरो के विचार, सम टाइम इज सेड, वो कहती क्या कहती देखिए, अ थिंग्स अ गुड बिलोंग टू द वन हु इज थर्स्टी, वो आई थिंक उसको इच्छा ऐसा लगता है स्पैरो जो थर्स्टी होता है, जो प्यासा होता है वही उसका मालिक होता है, ऐसा वो कहती है। जब प्राणियों को एनिमल्स को प्यास लगेगी, इज थर्स्टी इट इज अ बिलोंग टू हिम, तो वो अपने मालकी के समझ के पानी पियेंगे। सो ही कैन ड्रिंक फ्रॉम इट, वो पानी पिएगा वहां से। एंड जब बर्ड्स इज अ थर्स्टी, जब पक्षियों को प्यास लगेगी, वो बिलोंग्स टू पॉन्ड बिलोंग्स टू द हिम, अपनी मालकी का हक से वो पानी पियेंगे। सो मतलब ही
टू कैन ड्रिंक फ्रॉम इट, जो यहाँ से पानी पीता वही उसका मालिक होता है। दिस इज अ वे, वही एक पर्याय है जो सबको बांटता है। वी कैन ऑल एंजॉय, और सब उसकी मतलब पानी पीकर एंजॉय करते हैं, ठंडा पानी पी के, फ्रेश वाटर पी के, ऑन द गुड पॉन्ड, वो अच्छा पानी पीते हैं। नो वंस विल बी थर्स्टी, और वो किसका, एक का थर्स्टी का नहीं है, वो सबका है, वो ऐसे कहती है। और यह बात सुनकर, दिस वॉज सच अ गुड जजमेंट दैट्स ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स बिगन्स टू क्लैप, वो ये जजमेंट देखकर, ये बातें सुनकर, स्पैरो की बातें सुनकर सब एनिमल्स और बर्ड्स क्या लगाते, क्लैप्स, तालियां बजाते हैं। एंड देन दे ऑल लिव टूगेदर हैप्पीली इन द फॉरेस्ट अराउंड टू पॉन्ड, वो अच्छी तरह आनंद से फिर से वो जंगल में मिडल के पॉन्ड में अच्छी तरह रहने लगते। इसी प्रकार से ही छोटी सी एक मस्त एकदम भारी स्टोरी थी। और वेयर मतलब कहा, वेयर इज पॉन्ड, पॉन्ड इन द फॉरेस्ट मिडल, व्हाट वाज, ऐसा कुछ क्वेश्चन बना सकते, हु मतलब कौन, हाउ मतलब कैसा, व्हाई इज बैटल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ऐसे क्वेश्चन तुम खुद बनाओ दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार से उसके क्वेश्चन आंसर और मीनिंग भी है आपको मैं दे रहा हूं। देखिए, हुज पॉन्ड्स इज इट, हार्ड वर्ड से थिक मतलब घनदाट, जो फॉरेस्ट थिक है, रीजन्स मतलब प्रदेश, माउंटेन मतलब बड़ी पहाड़, रिफ्लेक्ट मतलब परछाई, स्पार्कल चकाकना, रिफ्रेश ताजा पानी, डिस्कवर रिफ्रेश वाटर, डिस्कवर ढूंढना, चेस पाटला करना, जज मतलब जो हमारे न्यायाधीश होते हैं उनको अपॉइंट चुनना, ग्लोइंग आवाज निकालना और गर्जना करना जो लायन टाइगर करते हो, रीजन्स पार्टिकल एरिया, पर्टिकुलर एरिया होते हो, स्पार्कल स्टोलन ब्राइटली, स्टोलन शार्प पेल ऑन द फुट ऑफ अ बर्ड्स, रीजन हैपन्स वेरी वायलेंटली, अपॉइंट टू चूज समवन ऑफिशियली ऑफ अ जॉब, जॉब होना चाहिए, इसको जैप करवा दिया दोस्तों। आगे जजमेंट एंड ऑफिशियल डिसाइडेड ऑफ लीज, अपॉइंट अपोजिट वर्ड्स आएंगे देखिए दोस्तों, अगले चैप्टर में मैंने बताया था, यही उसके फ्यू मीनिंग, वार्म कूल, ट्रू रॉन्ग, चूज टाइट क्लोज, सॉरी क्लोज टाइट, लार्ज स्मॉल, वीक स्ट्रॉन्ग, फुलिश वाइज, सैडली हैप्पीली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ वॉज द वॉटर ऑफ द पॉन्ड, पानी कैसा था यार, वो तालाब का पानी कैसा था, द वॉटर वॉज अ पॉन्ड वॉज अ कूल एंड रिफ्रेश, वॉट डिड द बर्ड्स एनिमल्स फाइट फॉर, द बर्ड्स एंड एनिमल्स फॉट फॉर द पॉन्ड, दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर द पॉन्ड वॉटर विथ अदर, वॉट वॉज द स्पैरो जजमेंट, द स्पैरो जजमेंट वॉज दैट अ पॉन्ड बिलोंग टू द वंस हु इज द थर्स्टी। इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर है। इसी प्रकार को आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन में मैं आंसर डाल दूंगा, क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।